नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। माउथ वॉश करने से कोरोना वायरस का असर 2 घंटे तक रोक पाना संभव है। कोरियन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने ये दावा किया है। उन्होंने का कहना है कि त्वचा को विसंक्रमित करने वाले रसायन क्लोहेक्सीडाइन रसायन से बना माउथ वॉश का प्रयोग करने से कुछ देर रोकने में सक्षम पाया गया है। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि इस माउथ वॉश का इस्तेमाल डेंटल क्लिनिक पर डॉक्टर और मरीज करते हैं तो वह संक्रमण से सुरक्षित रह सकते हैं, कम होती है वायरस की संख्या। कोरियन मेडिकल साइंस जनरल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक लार में वायरस की संख्या अधिक होती है, जिसकी बूंदें दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकती है। क्लोरहेक्सीडाइन रसायन वाले माउथवॉश का इस्तेमाल करने से लार में वायरस की संख्या 2 घंटे के लिए घट जाती है, लेकिन 2 से 4 घंटे के बाद वायरस की मात्रा फिर बढ़ती है। इस कारण माउथवॉश का प्रयोग कुछ अवधि तक किया जा सकता है। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि संक्रमण मुक्त करने के लिए इस रसायन की कम से कम माउथवॉश की 10 मिलीलीटर मात्रा से कुल्ला करना होगा। इसमें 0.2 क्लोरहेक्सीडाइन का मिश्रण होना चाहिए। इस माउथ वॉश का प्रयोग कोई भी व्यक्ति घर से निकलने से पहले कर सकता है और संक्रमण से बच सकता है। क्या है क्लोरहेक्सीडाइन? यह कीटाणु नाशक है जिसका इस्तेमाल त्वचा को संक्रमण मुक्त करने के लिए किया जाता है। सर्जरी करने से पहले मरीज के शरीर को और हेल्थ वर्कर्स के हाथों को इससे साफ किया जाता है। ये साफ करने में इस्तेमाल किया जाता है। इन मामलों में है फायदा। त्वचा संबंधित डॉक्टर ई एंटी नेत्र रोग जनरल फिजिशियन डेंटल क्लिनिक और अन्य कई तरह के क्लिनिकों पर इसका प्रयोग सुरक्षा देगा। मरीज के क्लिनिक के अंदर आने से पहले इस माउथवॉश का उसको कुल्ला कराया जाए ताकि उसके मुंह से संक्रमण फैलने से बचा जा सके। इस माउथवॉश से अगर उस मरीज को कुल्ला कराएंगे क्लिनिक में आने से पहले तो उसके मुंह से कम 2 घंटे तक बाहर संक्रमण फैलने का खतरा टल जाएगा। रेड जोन में है लाभकारी। अध्ययन में दावा किया गया है कि रेड जोन में रहने वाले लोग अगर सुरक्षित जगह पर यात्रा करते हैं तो उन्हें इस माउथवॉश से कुल्ला कराया जाए ताकि 2 घंटे तक वह भी सुरक्षित रह सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।